हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो ट्यूटोरियल फॉर क्लास 8। ओके स्टूडेंट, सो यू ऑलरेडी सीन अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल इन द माय प्रीवियस वीडियो, यू वी डिस्कस आल्सो। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो हेयर वी कैटेगराइज द टू टाइप। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल जो है किस तरह से काम करता है, हमारा कंप्यूटर कैसा काम करता है, उसके उसके बेस पर हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हमारा है इज अ फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर दैट यूज कंटिन्यूस फिजिकल फेनोमेना सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मोड दी प्रॉब्लम बींग सॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो कंप्यूटर है कैलकुलेशन का काम करता है। अब यहाँ पे हाई जो पहला एनालॉग कंप्यूटर वो कौन सा कंप्यूटर होगा, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि हमारा है लाइक वॉच, ठीक है, विच कैलकुलेट टाइम। ओके, थर्मोमीटर विच कैलकुलेट टेम्परेचर, ठीक है, वेटिंग मशीन विच कैलकुलेट वेट, राइट, सिंपल कैलकुलेशन जो भी हमारे मशीन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, नॉट इट टेक्स इंफॉर्मेशन, इट टेक्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ लाइक वेट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, राइट। यहाँ पे डिजिटल इनपुट नहीं जा रहा है, याद रखिए जो भी इनपुट यहाँ पे दिया जा रहा है वो किसी और फॉर्म में है, ठीक है, डिजिटल के अलावा जो इनपुट जा रहा है और उसको कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है, एक थर्मोमीटर, ठीक है, जो कि टेम्परेचर हमारा कैलकुलेट करता है, पेट्रोल पंप इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करता है हमारा कितना लीटर पेट्रोल हो गया है, स्पीडोमीटर जो कि स्पीड कैलकुलेट करता है, ठीक है, यहाँ पे देखो इनपुट अलग अलग है, और हमारा क्या है मल्टीमीटर जो कि हमारा लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करता है, ठीक है, जैसे आपके घर पे वोल्टेज सप्लाइजर होता है, वोल्टेज सप्लाई क्या करता है आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितने वॉट की आ रही है वो कैलकुलेट करता है आपका वोल्टेज सप्लाइजर भी करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर है वो, इसके पहले हमने क्या देखा है कि हमें कंप्यूटर को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पर। इसके बाद हमने जो कंप्यूटर देखना है वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, जो आज की डेट में हम आज जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें जो हम इनपुट जाता है कंप्यूटर को वो डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। तो जो हमारा चाहे मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, आज की डेट में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट यूजुअली इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू हमारा कंप्यूटर क्या करता है कैलकुलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कि जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला हुआ रूप है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं हॉस्पिटल में हमारा डिजिटल जो हमारा जो होता है वहाँ मशीन लगी होती है, बहुत सारी मशीन लगी होती है जहाँ पे हम डिजिटली चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है जहाँ पे हम डिजिटल चीज़ों को देखते हैं, हमारा डिजिटल वॉच भी हमारा क्या है हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम है। जो एनालॉग प्लस डिजिटल को मिला के हम क्या बनाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर है उसे बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। ओके, सो सुपर कंप्यूटर क्या कैलकुलेट करता है, लाइक हमारा वेदर फॉरकास्टिंग में हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर यूज होता है फॉर एनिमेशन ग्राफिक्स बनाने के लिए, फ्लड डायनेमिक कैलकुलेशन के, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में जो हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं बैंक सिस्टम में, ठीक है, या फिर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो हमारा क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वेरी लार्ज होते हैं, ठीक है, इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनी कंप्यूटर होता है जो कि हमारा वर्क स्टेशन की तरह काम करता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर हमारा वर्क स्टेशन के एक साथ वहाँ पे 200 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे मिनी कंप्यूटर हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर है उसको लोग माइक्रो कंप्यूटर बोले जाते हैं, लाइक हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, पाम टॉप हो गया, ये हमारे कितने हो गए, पीडीएस हो गए, ये हमारे क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर इसको बोला जाता है, ठीक है। वर्क स्टेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। सो दीज हमारे दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वर्किंग प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ साइज, ये हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज बूटिंग, ओके। सो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर मेमोरी टू कंप्लीट द सर्किटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। सिंपल क्या है कि देखो, जब भी हम पावर बटन ऑन करते हैं कंप्यूटर में, तो बहुत सारे हमारे पास कुछ सिस्टम फाइल्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम की फाइल होती है, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल बोल सकते हैं, जो कि लोड होती है कहाँ से डिस्क से, यानी कि हार्ड डिस्क से, जो हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव रहती है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो फाइल हमारी स्टोर हो जाती है हार्ड डिस्क के अंदर, और वो फाइल हमारी लोड होती है किसमें, मेमोरी में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, बूटिंग, ठीक है। जैसे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब सीपीयू बटन को ऑन करते हैं, सीपीयू का जो ऑन ऑफ का बटन होता है, जब उसे ऑन करते हैं तो हमारी जो सिस्टम फाइल्स होती हैं वो मेमोरी से, कौन से, हार्ड डिस्क से परमानेंट मेमोरी से निकल के हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरी रैम पर जब आती है, जब वर्किंग स्टेट में हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ठीक है, आने के लिए प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं बूटिंग, ओके स्टूडेंट, याद रहेगा हमेशा। सो एक बार फिर से डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या किस चीज का प्रोसेस है, सिस्टम फाइल के को लोड करने का प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ कंप्यूटर मेमोरी किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे रैम की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, रोम की बात की, टू कंप्लीट द सर्किटरी रिक्वायरमेंट। अब ये जो रिक्वायरमेंट ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे जो हार्डवेयर सर्किट्स लगे हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें हमारे फाइल्स के साथ, हमारे जो सिस्टम फाइल्स उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकें। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को तो वो प्रोसेस हो और वो सर्किट के थ्रू प्रोसेस हो, ठीक है, इट इज कॉल्ड बूटिंग। अब यहाँ पे दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है हॉट बूटिंग, इसको वार्म बूटिंग बोलते हैं, और एक होता है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, द टू टाइप ऑफ बूटिंग। पहला है कोल्ड बूटिंग, इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट, अगर कंप्यूटर हमारा पहले से बंद है, ठीक है, ऑफ स्टेट में है, एंड वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन फ्रॉम द सीपीयू बॉक्स, देन इट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। इसका मतलब हमारा कंप्यूटर ऑफ है, बिल्कुल भी ऑन नहीं है, ठीक है, वो ऑफ है, हमने पावर बटन ऑन किया, उसके बाद सीपीयू पे लगा हुआ जो ऑन एंड ऑफ का बटन, उसको ऑन किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ओके स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड विच टेल्स अबाउट द वार्म बूटिंग। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा कंप्यूटर पहले से ऑन है, ठीक है, हम कंप्यूटर को वापस से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास रीस्टार्ट बटन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वार्म बूटिंग। इफ द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन एंड वी रीस्टार्ट बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन फ्रॉम द सीपीयू बॉक्स और कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट, या जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम द कीबोर्ड, देन इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, ओके। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर पहले से ऑफ है, उसे हमें ऑन करना है, तो हमारा कोल्ड बूटिंग होगा, और वार्म बूटिंग में क्या होगा, जब हमारा कंप्यूटर ऑन है उसे हमें रीस्टार्ट करना है, ठीक है, अगर कंप्यूटर स्टक हो जाता है, कहीं रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे बोलते हैं हमारा वार्म बूटिंग, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द बूटिंग सिस्टम, ओके। सो दिस इज अबाउट द स्लाइड एंड दिस इज अबाउट द वीडियो which we discuss about the basic fundamental of computer system, okay. So in the next video we will see the internal component of the computer system, okay. So इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें discuss की हैं about the computer, ठीक है, about the process component, computer system,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस, बूटिंग सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सो ऑल द थिंग विच डिस्कस ऑलरेडी, ठीक है, विच यू डिस्कस इन योर लास्ट क्लास, इन क्लास 7th ऑल्सो. सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, वो इंटरनल कंपोनेंट क्या है जैसे कि हमने इस स्लाइड में ऑलरेडी देखा है. ठीक है, इसी को और एलोबरेट करेंगे और देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो इंटरनल कंपोनेंट में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे जो कि हमारे कंप्यूटर सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं. जैसे कि कंपोनेंट वो कौन से हैं जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, सीमॉस हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, पावर सप्लाई एसएमपीएस हो गया, एक्सपेंस स्लॉट हो गया, कूलिंग पैन हो गया, ग्राफिक्स हो गया कार्ड हो गया, मेमोरी स्लॉट्स हो गए, चिप्स हो गए, बसेस हो गए, जो इंटरनल कंपोनेंट आपके सीपीयू बॉक्स यानी कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल कंप्यूटर. हम उनके बारे में अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें उसको पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, फॉर टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग इट स्टूडेंट.